हेलो दोस्तों, आ गए एक नए वीडियो में। और आज का वीडियो है हमारा, इस 400 वाट हमारा बोर्ड है स्टीरियो, जिसमें 200 वाट का हमारा एक चैनल है, एक चैनल 200 वाट का, एक चैनल 200 वाट का है। तो चलिए इसकी हम आज टेस्टिंग करेंगे, क्या क्वालिटी है, क्या इसका साउंड है, वो भी चेक करेंगे। और बाकी इसका सब है वो हम आपको बताएंगे वीडियो के अंदर में। चलिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ऐसे वीडियो हम लाया करते हैं। तो चलिए इसकी वायरिंग करेंगे पूरी। पहले हम ऑडियो आउटपुट लगाएंगे, जो कि हमारे इस बीटी बोर्ड से होकर निकली है। यहाँ पर मैंने कनेक्शन कर दिए हैं जो कि हमारे आउटपुट के थे। तो चलिए इस बोर्ड की जो हमारी आउटपुट है वो हम दे देते हैं बोर्ड को। तो चलिए यहाँ पर हम इनपुट में लगाएंगे, जो कि हमारे बोर्ड की है, 400 वाट बोर्ड की हमारे इनपुट है, उसमें लगाएंगे। तो हमारे ऑडियो के लग गए हैं। तो चलिए इसमें स्पीकर वायर भी लगा लेते हैं। यहाँ पर एक जो हमारा ग्राउंड दिख रहा है, ये ग्राउंड वाला इसमें इधर वाला होता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे जो माइनस वाला हमारा ग्राउंड होता है, जो और प्लस वाला यहाँ पर लगा देंगे, ये स्पीकर के वायर हैं। और दूसरा वाला भी हम ऐसे ही कुछ लगाएंगे, एक वाला यहाँ पर लगाएंगे जो प्लस वाला है हमारा। तो यहाँ पर कनेक्शन कर लेंगे स्पीकर वाला वायर है ये। यहाँ पर ये वाला भी लग गया है, जो ये वाला हमारा ग्राउंड है, ये वाला हमारा प्लस है, और ये वाला भी प्लस दिख रहा है जो दूसरा स्पीकर है, और ये वाला हमारा माइनस है। तो ये दोनों ग्राउंड हो गए हैं और ये वाले दोनों प्लस हो गए हैं। तो चलिए अब इसमें हम आउटपुट देंगे जो हमारी लाइट की है। तो पहले ग्राउंड वाला लगा लेंगे, यहाँ पर ग्राउंड वाला लगा दिया अभी। ये हमारा 30 वोल्ट माइनस है, और यहाँ पर ये वाला हमारा 30 वोल्ट प्लस है, इसको भी हम लगा देंगे। ये दोनों तीनों कनेक्शन हमारे हो गए हैं। और अब चलिए इसमें हम जो हमारा बीटी बोर्ड है इसकी भी आउटपुट दे देंगे, क्योंकि हमारा ये रखा हुआ है सामने लगाने हैं हमने। ये यहाँ पर भी एक लगा लेंगे बार हम। ये सारे तार लग चुके हैं अभी। अब चलिए चेक करते हैं इसको, बोर्ड को हम अपने, ये हमने कार्ड यूएसबी कार्ड यूज करा है, और यूएसबी कार्ड भी यूज किया है। और यहाँ पर मैंने ट्रांसफार्म खरीद 24024 का लिया, इसमें 45045 का चलेगा। फिलहाल मैं इसको चेक करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, और कुछ इस तरीके का देख लीजिएगा सेटअप हमारा। ज़्यादा कुछ लगाया नहीं मैंने इसमें, यहाँ पर देख लीजिएगा मैंने कुछ ऐसे तार लगाए हुए हैं, इसके सारे तार लग गए हैं इसके। तो अभी देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने 45045 लगाना था, लेकिन मैंने 24024 लगाया यहाँ पर। और ये स्पीकर वायर दे रखे हैं, और ये हमारी जो लाइट आई है AC DC वो लगा रखी है यहाँ पर। और ये हमारा एक USB कार्ड है, ये हमारा बीटी बोर्ड है, और ये हमारा बोर्ड है मैन बोर्ड। तो चलिए तीनों चीज़ों के चेक करेंगे, अभी लगाएंगे लाइट को। तो ये देख लीजिएगा, लाइट आ चुकी है हमारी इस बीटी बोर्ड में। तो फिलहाल हमारा कनेक्ट हो गया अभी ब्लूटूथ। तो दोस्तों इसमें सारे तार लग चुके हैं, अभी हम इसको चेक करेंगे। तो हमने ब्लूटूथ इसका कनेक्ट कर लिया है अभी। तो चलिए एक छोटा सा सॉन्ग बजाएंगे, ज़्यादा सॉन्ग नहीं बजा सकते क्योंकि कॉपीराइट का चांसेस होता है, आने के लिए इसको बनाया है। तो चलिए म्यूजिक प्ले करते हैं, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाते हैं। Oh,
सबवूफर वाले लगाएंगे। अभी से वोल्टेज कम है तो इसलिए थोड़ा सा हल्का बोल रहा है, बट वोल्टेज जब पूरे होंगे ना तो वो भयंकर आवाज़ निकालता है। कि चार स्पीकर आप डाल दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। तो चलिए हम ये भी लगाएंगे अपना दूसरा वाला स्पीकर। हमने अपने दोनों स्पीकरों को तार लगा लिए, ये वाला भी हमारा 6-6 इंची का दोनों, और ये वाला हमारा 12 इंची है। तो चलिए इसको ट्राई करेंगे, चेक करेंगे, इसको म्यूजिक प्ले करेंगे, आवाज़ बढ़ाएंगे। पर हमारा जो बोर्ड है वो एकदम परफेक्ट काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर बोर्ड चेक करके दिखा दिया है और बोर्ड अभी 1% नहीं गर्म हुआ है, बोर्ड का भी कोई भी हिस्सा गर्म नहीं हुआ है। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।